ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ट्रैक ने ऑडियंस को बेहद ही इमोशनल कर दिया है। शो में नायरा की पहाड़ी से गिरकर मौत हो चुकी है, जिसे देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू ही आंसू हैं। लेकिन अब शो में अपने डेथ सीन को दिखाए जाने के बाद शिवांगी जोशी ने पहली बार अपने दिल का हाल बयां किया है और शो को छोड़ने की तमाम बातों से डिनाई भी किया। जी हाँ, ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नायरा यानी कि शिवांगी जोशी ने ऐसे खुलासे किए हैं जो ये रिश्ता की ऑडियंस को जरूर जानने चाहिए। कौन से हैं वो तीन खुलासे, बताते हैं आपको भी। पहला खुलासा, नायरा की मौत सुनकर फूट फूट कर रोई थी शिवांगी। जी हाँ, ई टाइम्स से बातचीत में शिवांगी ने बताया कि जब मेकर्स ने उन्हें शो में नायरा की मौत का ट्रैक सुनाया था तो कैसे वो अपने इमोशंस पर काबू ही नहीं कर पाई थी और सभी के सामने सेट पर फूट फूट कर रोने लगी थी। जी हाँ, शिवांगी ने कहा, जब मुझे नायरा की मौत का सीक्वेंस सुनाया गया था तो सेट पर सभी ने मेरा रिएक्शंस देखा था, मोहसिन भी वहीं था, हम स्टोरी सुनते हुए साथ ही थे। मैं रोने लगी, मैं अपने आंसू रोकना चाहती थी लेकिन मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाई। यहाँ तक कि राजन शाहिद सर ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शिवांगी ने ये भी बताया कि उनके साथ साथ मोहसिन भी काफी इमोशनल हो गए थे। वेल, नायरा के किरदार से जिस तरह से शिवांगी सालों से जुड़ी हुई है, जाहिर तौर पर उस किरदार की एकदम मौत होना उनके लिए भी झकझोर देने वाला रहा, इसीलिए नायरा अपने आंसू को चाहकर भी रोक ना पाए। दूसरा खुलासा, अगले 10 दिन होने वाले हैं शो के लिए बेहद खास। जी हाँ, इंटरव्यू में आगे शिवांगी ने ये भी बताया कि शो में नायरा की मौत को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है, ये अगले 10 दिनों में साफ हो जाएगा। यानी कि आने वाले 10 दिन शो की ऑडियंस के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं, जिसमें शो में आगे क्या कुछ होने वाला है ये बातें भी साफ होती नजर आ सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शिवांगी ने अपने तमाम फैंस से ये रिक्वेस्ट भी की कि वो शो को उसी तरह प्यार देते रहें जिस तरह वो आज तक देते आ रहे हैं। वेल, शिवांगी ने जिस तरह से ये बात कही है, क्या उससे ये मान लिया जाए कि 10 दिनों के अंदर ही शो में नए किरदारों की एंट्री भी होगी, क्या शो में दिखाया जाएगा कोई लंबा लीप और उसी के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। वेल, शो में क्या होता है ये वाकई आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। और तीसरा खुलासा, शो की नई कहानी पर किया जा रहा है काम। यह शो में आगे क्या कुछ होने वाला है, सवाल का जवाब देते हुए शिवांगी ने बताया कि शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि जिस तरह से कहानी को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में वो खुद नहीं जानते। शिवांगी ने बताया, हमें पूरी स्टोरी लाइन के बारे में पता नहीं है, क्रिएटिव टीम अभी भी कहानी पर काम कर रही है एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स। बिल्कुल साफ है कि नायरा की मौत के बाद कहानी कैसे ट्विस्ट लेने वाली है, इस पर मेकर्स का काम जारी है। लेकिन जिस तरह से शिवांगी ने ये तीन बातें कही उससे साफ है कि नायरा की मौत के बाद शो की कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिससे शो में बड़ा ट्विस्ट आएगा और ऑडियंस भी हैरान रह जाएगी। हालांकि शो में आगे क्या होगा एक एक पल को जानने के लिए फैंस भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और लगातार इस उम्मीद में ही है कि शायद कायरा की जोड़ी उन्हें शो में फिर से देखने को मिल जाए।